आज जिस तरीके से टीचर्स उमड़ कर आए हैं सड़कों पे यूजीसी पे प्रदर्शन करने, उसे साफ जाहिर होता है कि टीचर्स न केवल अपने सर्विस कंडीशन के लिए परेशान हैं, पर आने वाले समय में हायर एजुकेशन, पब्लिक फंडेड हायर एजुकेशन की क्या सूरत बनेगी इस देश में, उसको लेके चिंतित हैं। पे कमीशन आना चाहिए था 1 जनवरी 2016 को। सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे एम्प्लॉयज़ को बहुत महीने पहले मिल चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय खाली नहीं, सारे भारतवर्ष के सेंट्रल यूनिवर्सिटी टीचर्स को या कर्मचारी को कुछ नहीं मिला अभी तक। जो अपॉइंटमेंट्स बहुत साल पहले होना चाहिए था, वो अपॉइंटमेंट सब बंद पड़े हुए हैं या बहुत स्लो स्पीड में चल रहे हैं। जो ग्रांट गवर्नमेंट ने कट की है 30-70 के, 30% आप अपना जनरेट कीजिए, अपने रिसोर्स से जनरेट कीजिए, गवर्नमेंट सिर्फ 70% हायर एजुकेशन में देगी, उसके लिए भी हम सड़क पे उतरे हैं। ये मैं इसको थोड़ा सा आपको बता दूं, ये अब की बार इस प्लान में 30% है, नेक्स्ट प्लान में ये बढ़ जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि जब ये 100% प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। नेक के माध्यम से और अन्य माध्यमों से, NRIF के माध्यम से जो गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई है कि धीरे धीरे फंडिंग कॉलेजेस की और यूनिवर्सिटी की बंद कर दी जाए, ये उसका ही एक रूप है। हेफा हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी जो क्रिएट की गई है, फंडेड की गई है गवर्नमेंट के ज़रिए, जिसमें गवर्नमेंट अपना पैसा देती है, सरकार अपना कुछ पैसा देती है और कुछ पैसा प्राइवेट सेक्टर्स इन्वेस्ट करता है, इट्स इन्वेस्टमेंट एजेंसी। उनका कहना है कि 30% आप वहाँ से ले सकते हैं लोन की शक्ल में, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा वो लोन आप रीपे कैसे करेंगे। सी इट्स अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन। जो फंडिंग मुझे अब तक ग्रांट की शक्ल में मिल रही थी, उसका 30% पार्ट अब मुझे लोन की शक्ल में मिलेगा। पब्लिक फंडेड एजुकेशन सिस्टम में हो सकता है कि स्टूडेंट की डिग्री 40,000 की हो, लेकिन उसका एजुकेशन के प्रति खर्च आज भी लाखों में रन करता है। जैसे कि दिल्ली विश्वविद्यालय में बाहर से आने वाले जो छात्र हैं, उनका PG पे, खाने पे खर्च होता है। तो एक डिग्री को हासिल करने के लिए, अंडर ग्रेजुएट डिग्री को हासिल करने के लिए माँ बाप कम से कम 4-5 लाख अभी खर्च कर रहे हैं, और आने वाले समय में अगर ये बढ़ गया, अगर 4-5 लाख रुपये की फ़ीस देनी पड़ी, इसका मतलब ये होगा कि एक बड़ा तबका स्टूडेंट पॉपुलेशन का एजुकेशन से बाहर होगा। परमानेंस टीचर्स होना या उनको इंक्रीमेंट या प्रमोशन मिलना माइट साउंड लाइक अ वेरी टीचर स्पेसिफिक डिमांड, बट उनके डायरेक्ट रैमिफिकेशन सारे स्टूडेंट्स पर हैं। 30,000-40,000 फी एक सेमेस्टर का, एक गरीब बच्चा, जो मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, कहाँ से सबका साथ आएगा, कहाँ से सबका विकास होगा, ये कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा को बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश है। और आप लोगों को मालूम है कि 7th पे कमीशन का रिकमेंडेशंस आए हैं, और जो हमने देखा है वो हमारे लिए बहुत शॉकिंग है। टीचर्स के लिए उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक्सेप्टेबल हो, मैक्सिमम रिकमेंडेशंस उसमें नेगेटिव हैं, क्योंकि जो पे कमीशन वो हमें दे रहे हैं, हम ये भी जानते हैं कि आज़ादी के बाद से अब तक वो सबसे ख़राब और सबसे लोअर पे कमीशन है। पूरे देश में जो शिक्षक है वो आज हमारे साथ है, AI फैक्टो भी लड़ रही है, FEDCUTA भी लड़ रही है, हम सब इसमें इस लड़ाई में एक हैं, और हमारे हाथ में इस देश के यंग इंडिया के पल्स की नब्ज है, हमारे हाथ में, हमारे हाथ में बागडोर है इस देश के भविष्य की। इस लड़ाई में हम हार नहीं सकते, क्योंकि देश का भविष्य हमारे साथ है। साथियों, हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये सरकार एक एक करके हर सेक्शन के खिलाफ, पॉपुलेशन के हर सेक्शन के खिलाफ इस तरह से जंग छेड़ दिया इन्होंने, पूरी जनता को लूट कर, चाहे वो किसान हो, चाहे वो वर्कर हो, मजदूर हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे शिक्षक हो, हर सेक्शन को लूट कर ये चंद लोगों की मुट्ठियां भरना चाहती हैं, जेबें भरना चाहती हैं, तिजोरियां भरना चाहती हैं, सारी पॉलिसीज चंद लोगों के लिए बन रही हैं। 1% लोग इस देश में 73% इसकी वेल्थ की GDP का कंट्रोल करते हैं, इससे शर्मनाक और क्या बात हो सकती है।